अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और आप देख रहे हैं मेरा लेक्चर जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं आपसे नम्स की पास पेपर्स की, क्योंकि इस साल नेशनल एमडी कैट हो रहा है और वो नम्स जो है वो कंडक्ट करवाने जा रही है तो वाया NTS, तो मुनासिब मैंने समझा कि मैं आपके साथ नम्स के जो पास पेपर जितने मेरे पास अवेलेबल हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। 2014 का हम डिस्कस कर चुके हैं, 16 का हम डिस्कस कर चुके हैं, 2020 का जो इस साल पेपर हुआ वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपसे पेपर डिस्कस करने आया हूँ, मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ पेपर 2015 का। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जितने नम्स के पेपर देखे हैं इनमें से इसने जितना मुझे ट्रबल किया, बड़े कम पेपर ने इतना मुझे ट्रबल किया। तो बस हम लोग इसीलिए हैं ताकि खुद थोड़ा ट्रबल हो जाए, बट आपकी ट्रबल को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें और आपको जो है वो सही आंसर जो है बताएं। कोशिश मैं करता हूँ, असल में ये जो नम्स के पेपर होते हैं आपको पता है ये मैं खाली याद करके लिखे हुए पेपर हैं, तो उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो जितना बेस्ट तरीके से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर सकूँगा मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपसे सवालों के जवाब भी आपसे डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। तो बस फिर आइए शुरू करते हैं, टाइम गुजाया करें। मैं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं नम्स के पेपर 2015 का और उसका सोल्यूशन। अच्छा, इससे पहले कि हम भी अपनी वीडियो आज की शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम नया कोई लेक्चर अपलोड करूँ, कोई पेपर सॉल्व करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप उसको उससे जो है वो बेनिफिट जो है हासिल हो। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट हासिल हो। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो ये हमारे पास नम्स का पेपर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम इसको शुरू करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो शुरू करते हैं और हम देखते हैं इसमें कौन कौन सवाल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे आप जानते ही, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं, और हम देख रहे हैं नम्स का 2015 का पेपर। ओके, तो पहला सवाल आ गया वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन। अब इंसानों के अंदर वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, इस कम्प्लीट इनर्ट नहीं होता है, वो एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैरीज फ्यू जीन, कैरीज मैनी जीन, कंटेन जीन फॉर हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, वो आपको पता है एक्स क्रोमोसोम पे होती है। तो बी इसका आंसर हुआ, तो कैरीज फ्यू जीन यानी बी इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद वुड इज नॉट फॉर्म्ड इन, हाँ, मोनोकॉट्स, डायकॉट, जिम्नोस्पर्म, दी ऑल ऑफ द गिवन। अब आपको पता है जो मोनोकॉट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनके कद बहुत बड़े बड़े नहीं होते, वो दरख्त नहीं होते, वो आमतौर पर जो है वो छोटे प्लांट होते हैं, तो मोनोकॉट्स इसका आंसर होना चाहिए। विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एलजी, क्लोरोफिल ए इज द प्रिंसिपल एलजी ऑफ प्रिंसिपल क्लोरोफिल फॉर एलजी इन प्लांट्स, तो क्लोरोफिल ए इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द एपोप्टोसिस, ऑलराइट, नॉट रिलेटेड टू, ये बड़ा ध्यान में रखना है, ये चीज़ें बाद में ट्रबल करती हैं। लॉस ऑफ टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो, ओके, लॉस ऑफ टिश्यू बिटवीन डेवलपिंग डिजिट्स, ओके, कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ये तीनों के तीनों फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है एपोप्टोसिस के, तो नन ऑफ द गिवन इसका आंसर होना चाहिए। तो आई विल गो विद डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइटिक फंगस ऑफ प्लांट, ओके, रस्ट और मिल्ड्यूज तो होते हैं, और मलेरिया इज कॉल्ड फॉरेस्ट पैथोजन, ये इतनी ख़तरनाक होती है कि फॉरेस्ट के फॉरेस्ट तबाह कर देती है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपके पैरासाइटिक पैथोजन हैं, तो नन ऑफ द अबव इसका जो है आंसर होगा, क्योंकि वो नॉट पूछ रहा है इनमें से कौन से नहीं है, तो ये तीनों हैं, तो नन ऑफ द गिवन इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, हम सेल से बाहर चले गए, तो जब हम सेल से बाहर चले गए तो सेल वॉल सेल से बाहर होती है, कैप्सूल भी सेल से बाहर होता है, स्लाइम भी सेल से बाहर होता है, सेल मेम्ब्रेन का ऑप्शन होगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक, अच्छा, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिजीज इज नॉट एन इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगल इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, बट सिस्टिक फाइब्रोसिस इटसेल्फ इज नॉट एन इंजेक्शन, इन्फेक्शन नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है। तो आई गो विद सी, मैं सी के साथ जाऊंगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ह्यूमंस, इनमें से कौन सा इंसानों में करेक्ट है, राइट, बोथ स्पर्म एंड एग कंटेन यॉक, नो, सिर्फ एग में होता है, ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम फ्रॉम स्पर्म, नो, बराबर बराबर आती है दोनों से, स्पर्म कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म, यस, फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स इन यूट्रस, नहीं, वो फेलोपियन ट्यूब में होती है नॉर्मली, तो सी इसका आंसर होगा, करेक्ट पूछ रहा ना, तो सी इसका आंसर होगा। और राइट, तो आगे चलते हैं, चलो भाई आगे चलिए, और क्या हो गया, द ऑर्गेनिज्म हैविंग विंग विद क्लॉज, आर्क्योटेरिक्स की बात हो रही है जनाब, आर्क्योटेरिक्स सी इसका आंसर होगा। द फंगस प्रोवाइडेड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट दैट इज यूज्ड टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ, यानी एंटी फंगल एजेंट जो हम फंगल से हासिल करते हैं, तो याद कर लीजिए
पेनिसिलियम नॉटेटम तो हम पेनिसिलिन वो बैक्टीरिया को मारती है, एस्पाजिले तो पैथोजेनिक फंगस वो नहीं हो सकती, ये क्लेविसेप्स परप्यूरी मैंने नाम पहले वो सुना पता नहीं क्या होता है, पेनिसिलियम ग्राइसियोफुलवम एक एंटी फंगल ड्रग इससे रिलीज होती है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, चूँकि ये फंगस है और एंटी फंगल ड्रग रिलीज कर रही है तो आंसर तो उसका सही होगा, इससे ड्रग रिलीज होती है मैं नाम उसका भूल रहा हूँ उस वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट रिलेटेड टू दी वेक्सिलियम इन पी फैमिली, आपको ना पी फैमिली में वो एक स्पेशल टाइप की जो है इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसमें वेक्सिलियम इसका इनका किस्सा फ्लोर लीव होता है, तो ये पोस्टीरियर होता है एंटीरियर नहीं होता, तो डी इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम लिंकेज ग्रुप, लिंकेज जीन लिंकेज यानी कौन से इनमें से एक क्रोमोसोम पे लोकेट नहीं करते, गाउट बेसिकली एक एक्वायर्ड डिजीज है, इट्स नॉट अ जेनेटिक डिजीज, तो गाउट इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से होती है और यूरिक एसिड हमारी बदपरहेजी से और बैड ईटिंग हैबिट की वजह से बॉडी में डेवलप होता है, तो अल्कोविडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में एक आयरन का आइटम होता है और एक प्रोटीन की चेन होती है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए में चार है, बी में चार है, सी में एक है मगर चार हीम पोर्शन है, डी में वन पॉलीपेप्टाइड, डी इसका आंसर होगा। तो हीमोग्लोबिन में चार आयरन होते हैं, चार प्रोटीन होती है, इसमें एक प्रोटीन होती है, एक आयरन ग्रुप होता है, तो आई विल गो विद डी, डी इसका आंसर होना चाहिए। द लेग ऑफ कॉकरोच विच एक्ट एट प्रॉप ड्यूरिंग वॉकिंग, तो प्रॉप के तौर पे कॉकरोच की मिडिल लेग जो है वो काम करती है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे अगर सही याद आ रहा है तो मिडिल का आंसर, मिडिल लेग इसका आंसर होना चाहिए, सी शुड बी द आंसर। ओके, विच कॉम्पोनेंट एंटर इंटू माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एंटर होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है, आपको पता है ना पाइरुवेट बनता है, फिर पाइरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है। व्हाट विल बी द एप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 500 न्यूक्लियोटाइड्स, ऑलराइट, अब हमें बताया वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए में बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट्स 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 150, 0.4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 200, तो 170 नैनोमीटर इसका आंसर होना चाहिए, तो आंसर शुड बी सी, सी इसका आंसर होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस होता है इट्स 3.4 एंगस्ट्रॉम्स, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 500 से तो आपको आंसर पता चल जाएगा, 3.4 को 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वायरल डिजीज दैट इज वाइडली स्प्रेड इन कॉज बाय एनवलप्ड आरएनए वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरसेस एनवलप्ड वायरसेस होते हैं और ये आपको पता ना छींकने से और खांसने से फैलती है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने लिपिड में ले लेती है। वैक्सीनेशन कैन बी डन अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज ओनली, नहीं ओनली तो नहीं होगा, वायरल डिजीज ओनली नहीं, बहुत वायरल बैक्टीरियल डिजीज, ऑल टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म तो मेरे ख्याल सही नहीं है, आई विल गो विद सी, मैं सी के साथ जाऊँगा, वायरल बैक्टीरियल बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिनके अगेन वैक्सीनेशन हो रही है आजकल। यूजफुल बैक्टीरिया लाइन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूसेस विटामिन के, ऑब्वियसली अनडाइजेस्टेड फूड इन कॉकरोच इज स्टोर्ड इन, अनडाइजेस्टेड फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके रेक्टम में स्टोर होता है, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमल सेल फाउंड इन सीड कोट्स आर फाइबर्स ट्रैकेट स्क्लेरेट्स एंड वेसल्स, तो टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमल सेल फाउंड सीड कोट्स आर, अब सीड कोट्स को अगर आप और मैं देखते हैं तो सीड कोट्स आर क्वाइट हार्ड, ये काफ़ी हार्ड होती हैं, तो फाइबर्स ट्रैकेड स्क्लेरेट एंड वेसल्स, स्क्लेरेट्स आर हार्ड, तो आई विल गो विद सी, मैं सी के साथ जाऊंगा, थोड़ा देख मेरे इसमें ट्रैकेड में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं बल स्क्लेरेट जो है बहुत हार्ड होती हैं, दे आर इन इलास्टिक, दे आर कॉल्ड स्टोन सेल, तो आई विल गो विद सी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जनाब अली, द टाइप ऑफ लाइचन विच इज लीफ लाइक इन अपेयरेंस इज, ये पारमिलिया, ये पारमिलिया जो होती है ये डिफरेंट सीडीज पाई जाती है, ग्रीन कलर की होती है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है आपको जैसे छोटा सा पौधा जो है वो रखा हो किसी रॉक के ऊपर। ट्राइकोनोस्टोक इज सराउंडेड बाय पेलिकल, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई तो नहीं हो सकती, कैप्सूल नहीं हो सकता, म्यूसिलजिनस चीज इसका आंसर होगा, तो सी शुड बी द आंसर। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इन म्यूटेशन, वो है ना म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डी वाइज ने प्रेजेंट की थी, बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है, तो म्यूटेशन जो है बड़ा अल्टीमेट सोर्स है चेंजेस का। द लिम्ब वेसल एम्प्टीज इन वेन, लिम्ब वेसल्स हमेशा आप याद कर लीजिए वेन्स के अंदर एम्प्टी होती हैं और अपना सारा लिम्ब जो है वेन्स में डाल देती हैं। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कैप्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ स्पाइरल्स, सक्सेसिव टर्न
एक टर्न होगी, फिर दूसरी टर्न होगी, दो टर्न के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और वो उसके हेलिकुलर स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करके रखेंगे, तो ठीक हो गया। टेल कैन बी डी जनरेटेड इन लार्वा ऑफ एम्फीबियन लिजर्ड, बोथ लिजर्ड एंड लार्वा एम्फीबियन, नन ऑफ द अबव। कुछ एम्फीबियन लार्वा ऐसे होते हैं विच हैज़ यूनिक एंड अमेजिंग पावर ऑफ रीजनरेशन। लिजर्ड की टेल तो रीजनरेट हो ही जाती है आपको मालूम है, तो आई विल गो विद सी, मैं सी के साथ जाऊँगा। सिम्टम ऑफ मलेरिया, अगर स्पेसिफिकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मलेरिया, के सिम्टम तब आते हैं जब आपके रेड ब्लड सेल रप्चर होते हैं और मीरोज वाइट ब्लड में रिलीज होते हैं। तो अगर इस सवाल में मैं देख रहा हूँ तो मुझे मीरोज वाइट बी सही लग रहा है। सच इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड, मेन एक्सिस एलोंगेट हो रही है, इसका मतलब है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, एंड बेयर सी साइल फ्लावर इज कॉल्ड, और सी साइल फ्लावर उसके पास होते हैं, स्पाइक में तो पेडिसलेटेड होते हैं, साइम तो ये है ही नहीं, पैनिकल आई गो विद रेसिमी, रेसिमी इसका आंसर होना चाहिए। सेमिलियन वेल्व आर नॉट प्रेजेंट इन, सेमिलियन वेल्व कहाँ पर नहीं होते, बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक में तो होते हैं, बेस ऑफ एओर्टा में भी होता है, वेन्स में भी सेमिलियन वेल्व होता है, कोरोनरी आर्टरीज में वेल्व कहाँ होते हैं यार, तो कोरोनरी आर्टरीज का आंसर होता है। सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस ए इज हेपेटाइटिस सी, तो जो मेन फॉर्म है हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस बी, और सी जो है वो उसका सेकेंड मेन फॉर्म है। स्केल आर प्रेजेंट इन फिशेज, एम्फीबियन, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वैसे सबसे प्रोमिनेंट जो स्केल्स होते हैं वो तो फिशेज में होते हैं, एम्फीबियन की बॉडी पे कोई फिशेज नहीं होते, स्केल रेप्टाइल्स की बॉडी पे भी होते हैं, बर्ड्स में फीदर होते हैं, तो ए और डी इस दोनों इसके आंसर सही होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या सोच के सवाल उन्होंने दे दिया इसके अंदर, तो मुझे ए और डी दोनों सही लग रहे हैं। रिडक्शन डिवीजन इज मियोसिस वन, ऑब्वियसली मियोसिस वन इज कॉल्ड मियोटिक डिवीजन या ट्रू मियोसिस। रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ एन अमाइनो एसिड्स आर, रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड, अल्फा कार्बन एंड अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप, आर ग्रुप एंड अल्फा कार्बन, ए इसका आंसर होगा। अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन पे तो ये सारे अटैच है, नहीं नहीं नहीं, इट्स अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, जी बी इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो पिटाइलिन, पिटाइलिन स्लैव नहीं हमारे लिए इसको कहते हैं बाय द वे, तो पिटाइलिन कैन कन्वर्ट स्टार्च इनटू ऑलिगोसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो आप बी का ध्यान में रखिए। पॉलीसैकेराइड तो डाइजेस्ट हो रहे हैं तो सी तो हो नहीं सकता, तो ऑल ऑफ गिवन वैसे ही खत्म हो गया, तो ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को तोड़ते हैं, ऑलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, तो पिटाइलिन याद कर लीजिए या टाइलिन, ये स्लाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है। प्रोसेस ऑफ एजिंग कैन बी स्लो डाउन बाय एडिक्वेट स्लीप, कैन बी स्लो डाउन बाय रेगुलर मील, कैन नॉट बी स्लो डाउन इन एनी वे, बहुत एडिक्वेट स्लीप एंड रेगुलर मील, आपको पता है एजिंग को रोका नहीं जा सकता, स्लो डाउन किया जा सकता है, और डी इसके जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, और डी जो है वो बिल्कुल इसमें एक्यूरेट ऑप्शन है। अच्छी एक्सरसाइज करके और स्लीप करके आप बहुत लंबे टाइम तक जवान रह सकते हैं। हाँ ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, प्लांट प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम रैपिड चिलिंग थ्रू इंक्रीजिंग अनसैचुरेटेड फैट, इंक्रीजिंग प्रोटीन कॉन्टेंट, बोथ इंक्रीजिंग प्रोटीन कॉन्टेंट एंड सैचुरेटेड फैट, नन ऑफ द गिवन, सी इसका आंसर होगा। ये आपने समर रेगुलेशन पढ़ी, आप समझ लोगे मैं इसके सी आंसर क्यों उसमें बता रहा हूँ। प्लांट ऑन विच टेलियोस्पोर्स अटैक प्रोड्यूस डैश इन इट्स सीड्स। ओके, तो ये सवाल हम देख रहे हैं और ये सिंध बोर्ड वालों को बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि उनकी किताब में है नहीं, तो इसका जवाब हो ए इसका आंसर होगा। देखिए सवाल में ही जवाब जो है प्लांट ऑन विच टेलियोस्पोर्स अटैक प्रोड्यूस टेलियोस्पोर्स, तो इसका जो आंसर होगा वो ए इसका आंसर होगा। पिक द मिसमैच पेयर फॉर बर्ड। ओके, एयर स्पेसिस लाइटर बॉडी, एयर स्पेसिस होते हैं बॉडी लाइटर हो जाती है, ये सही है गलत नहीं है। पेक्टोरल मसल्स स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ विंग्स, ओके ठीक है बिल्कुल। यूरिनरी ब्लैडर प्रोड्यूसिंग सेमी सॉलिड, बर्ड्स बेटा यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते, आपको पता है ना, बर्ड्स अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, तो बर्ड्स में तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता ही नहीं, यूरिन पास ही नहीं करते, तो सी इसका आंसर होगा, बता के तो देखने की जरूरत नहीं। पिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डॉट्सोफिला, डॉट्सोफिला के बारे में करेक्ट ऑप्शन हमने पिक करना है। मेल इज लार्जर विद पॉइंटेड एब्डोमिन, ओके। फीमेल एक्स सेक्स कॉम ऑन फ्रंट लेग, ठीक। इट हैज जेनरेशन टाइम फॉर जस्ट 8 वीक्स। स्लाइव ग्लैंड हैव जॉइंट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियर, ए इसका आंसर होगा। मेल्स के जो एब्डोमिन है वो पॉइंटेड होते हैं, वो आप डायग्राम देख लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम by mass of a human being is 0.05%, 0.25%, 0.15%, 0%, बहुत कम होती है मैग्नीशियम में, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है मगर चूंकि बहुत कम होती है तो आई गो विद ए, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट है बहुत कम होना चाहिए, तो मैं ए के साथ जाऊंगा, बट आई एम नॉट कन्फर्म, मेरे ख्याल है ए इसका आंसर होगा। पेक्टोरल फिन्स आर एनलार्ज्ड इन व्हेल्स, शार्क, स्केट्स
एंड पैलेस। तो पेक्टोरल फिन्स, फिन्स आपको पता है फिशेस के अंदर होते हैं, तो वेल तो फिश है ही नहीं, तो वेल तो मैमल है, तो ये निकल गया। शार्क, स्केट्स और अल्गोविसी, क्योंकि पेक्टोरल फिन्स शार्क में पेक्टोरल फिन नहीं होते जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शार्क में पेट्रोल फिल नहीं होते, वेल में हो नहीं सकते, तो स्केट्स में खाली इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइनिंग विद डैश एंड हीमोग्लोबिन विद आयरन, ऑब्वियसली तो आयरन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना वो, तो बी इसका आंसर होगा। ओनली वन ओवरी इज फंक्शनल टाइम इन ह्यूमंस, ह्यूमंस ह्यूमन ईगल पिजन, पिजन एंड ह्यूमन, मैं ह्यूमन का आंसर होगा, क्योंकि आप बताना जो ह्यूमन फीमेल होती हैं वो अल्टरनेट जो ओवरीज होती हैं उससे जो है वो रिलीज करती हैं ओवा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल फिक्स नाइट्रोजन सॉइल एयर इनटू नाइट्रेट्स, अमोनिया नाइट्राइड अमाइनो एसिड, मेरे ख्याल है अमोनिया में करती हैं नाइट्रेट अमोनिया। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं अमाइनो एसिड तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, अमोनिया अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रेफाइंग बैक्टीरिया नहीं होते। आई गो विद बी, बी इसका आंसर होना चाहिए। मेटाबॉलिकली डोमेंट बॉडी प्रोड्यूस विद इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्पोर, ऑब्वियसली बी इसका आंसर होगा, ठीक है। मेटाबॉलिकली डोमेंट होता है वो स्पोर, जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तब वो अपना काम करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस, ये तो आपको पता ही है। मैक्सिमम मैमिलियन कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन दीज, मेटाथीरिया प्रोटोथीरिया यूथीरिया नन ऑफ दीज, यूथीरिया आर एडवांस मैमल्स, तो जितने अच्छे फीचर इनके पास होते हैं किसी के पास भी नहीं होते। लेप्टोकार्डी इज अ ग्रुप ऑफ यूरोकार्डेट सेफेलोकार्डेट वर्टिब्रेट मोलुस्का, बेसिकली इट इज ग्रुप ऑफ सेफेलोकार्डेट, तो बी इसका आंसर होगा। लीव्स ऑफ डैश आर यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड इन हॉर्सेस, हॉर्सेस ग्लाइडेरिया ग्लैब्रा काजिया एंड ये आई गो विद, क्योंकि ये जो ग्लाइजेरिया ग्लैब्रा है इससे कुछ ड्रग्स बनती हैं जो कि एंटी कफ ड्रग्स होती हैं, तो मुझे तो ए लग रहा है। जे सीलर 1914 डिस्कवर्ड वी टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मॉस, ये सी इसका आंसर होगा, जेड 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 डब्ल्यू, क्योंकि मॉस क्या होता है ना सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट होती है एक्स वाई सिस्टम से, तो सी इसका आंसर होगा। इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज टीलोफेज मेटाफेज एनाफेज, एनाफेज बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसमें अगर सेपरेशन नहीं होगी तो फिर सही तरह से काम नहीं होगा, तो आई विल गो विद एनाफेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन इज इन्वॉल्व, ठीक है। ओगोनियम टू प्राइमरी ओसाइट, ओगोनियम टू प्राइमरी ओसाइट, ओके प्राइमरी ओसाइट टू सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट टू ए, नन ऑफ द गिवन। अब इनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो दो हैं ए और सी दोनों ठीक हैं, बी इसमें मियोटिक डिवीजन होती है, ए और सी इसका आंसर होना चाहिए, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, दोनों हैं तो ए और सी में मुझे ए और सी दोनों सही लग रहे हैं। इन मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड डीएनए थ्रेड्स आर केमिकली सिंथेसाइज, सिंथेसाइज फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, सिंथेसाइज बाय यूजिंग टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स, केमिकली कट इनटू पीसेस, सी इसका आंसर होगा। वो मैक्सिमम गिलबर्ट में कट और टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करते जाते हैं, तो सी इसका आंसर होगा। इन अलील फ्रीक्वेंसी फॉर अ डोमिनेंट अलील इज 0.4, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेटरोजीनियस इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ 100, 25 विद डायप्लॉइड ट्रेट, डायप्लॉइड तो फिर ठीक है, तो ये हो जाएंगे 0.4 कितना होगा 100 का, 100 का 0.4 होगा जनाब अली, 100 का 1 होगा 1%, उसमें प्रोबेबिलिटी भी लगेगी सब कुछ लगेगा, तो 100 इंडिविजुअल है 0.4 है, तो आई विल गो विद 36, ए इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में, इसका आंसर ये होना चाहिए। अच्छा यहाँ तक आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्रोटीन्स, सही है 5% इसका आंसर है, बहुत कम होती हैं जो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ब्लड प्रोटीन थ्रू ट्रांसफर होती है, तो 5% इसका आंसर होगा। हाइयर ब्लड प्रेशर फाउंड इन एओर्टा या आर्टरीज, ठीक है आर्टरीज में ऑप्शन है तो आर्टरीज में होता है हाइयर ब्लड प्रेशर। ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, प्रिवेंट रेनफॉल, प्रिवेंट हीट टू स्केप, ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, सी इसका आंसर होगा।
दैट वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ग्रीन हाउस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं हीट को स्केप होने से बचा के, तो सी इसका आंसर होगा। ग्रास लैंड ऑफ अर्जेंटीना इज पम्पास इज एन एरिया इन अर्जेंटीन, जो कि इसका आंसर है डी इसका आंसर होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के नाकर थ्रू कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ऑल के ऑल ऑफ दीज का आंसर है। फाउंडर ऑफ सेल बायोलॉजी इज श्लाइडन एंड श्वान, गैलीलियो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, तो हम तो रॉबर्ट हुक के साथ जाएंगे। इश्योप्लास्ट फाउंड इन प्लांट्स आर एक्चुअली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, नन ऑफ द गिवन। ल्यूकोप्लास्ट की टाइप होते हैं बेसिकली, इश्योप्लास्ट या नन ऑफ द गिवन के टाइप होते हैं। एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। मैंने कहा ना, मैंने जितने भी पेपर नाम्स के देखे हैं अब तक का, उनमें सबसे जो है मतलब मुझे इतना इसमें सोचना पड़ रहा है, तो आई विल गो विद ल्यूकोप्लास्ट सी। डॉर्सोफिला स्पर्म सेल कंटेन स्पर्म, डॉर्सोफिला में 12 क्रोमोसोम होते हैं 8, तो स्पर्म में 4 होंगे क्योंकि गैमेट कहाँ बचाते हैं क्रोमोसोम। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज बेसिकली डन फॉर डीएनए क्लोनिंग, डीएनए एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए स्लाइसिंग। डीएनए एनालिसिस के लिए की जाती है ना, तो बी इसका आंसर होगा। डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स 0.2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, वो फिक्स डिस्टेंस है डायमीटर के डीएनए का। डायमीटर ऑफ एन आर्टरी कैन बी चेंज बाय नर्व स्टिमुलेशन, केमिकल स्टिमुलेशन, बोथ केमिकल। सी इसका आंसर होगा। आप ये ब्रेन के जरिए भी कर सकते हैं और केमिकली भी कर सकते हैं, केमिकल के जरिए भी कर सकते हैं नर्विंग बल्ब के जरिए, और हार्मोनल स्टिमुलेशन के जरिए भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। डर्मल डेंटिकल स्केल्स ऑफ फिश आर कॉल्ड डर्मल स्केल्स, पहला क्वाइट स्केल होते हैं मैं जहाँ तक सही मुझे अगर याद आ रहा है तो, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल इसका आंसर ये है। डार्क पर्पल और ब्लैक स्पोर केस ऑफ कैल्विपस परप्यूरा इज स्मट रस्ट अर्गोड, परप्यूरा है ना तो पिगमेंटेड होना चाहिए, तो आई गो विद ए स्मट। हाँ, क्योंकि परपूरा का मतलब ही डिस्कलरेशन होता है, डार्क डिस्कलरेशन, तो स्मट ब्लैक कलर की होती है, तो आई गो विद इट। कंटिन्यूस वेरिएशन पॉपुलेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मेंडल, कॉरेंस, निल्सन। डॉमिनेंट वेरिएशन का तो कॉन्सेप्ट डॉमिनेंट इंट्रोड्यूस करवाया था ना वो, जब अपनी थ्योरी है उसकी इनहेरिटेंस की उसके अंदर, तो मुझे तो डी सही लग रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड मैक्सिमम ड्यूरिंग जायगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डायगन, डायगनेसिस प्रोफेस के लास्ट फेज है और उसमें क्रोमोसोम मैक्सिमम हो जाते हैं, तो आई विल गो विद डी। क्लोनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये सेल बाय, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल। अच्छा, क्लोनिंग तो होती है सेक्सुअल है ना, तो सेक्सुअल का तो ऑप्शन निकाल दो ना, ए और सी तो निकल जाएंगे, वैसे ही नन ऑफ देम हो नहीं सकता, तो बी इसका आंसर होगा। कैरोटीनॉइड आर रिलेटेड टू विटामिन ए, कैरोटीनॉइड विटामिन ए से रिलेट करते हैं, याद कर लें। ब्रायोफाइट एंड फर्न बोथ रिक्वायर वाटर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, बट फर्न आर नॉट प्लेस इन ब्रायोफाइट बिकॉज दे हैव सिलेटेड स्पर्मेटोजोआ इंस्टेड ऑफ फ्लैजेलेटेड स्पर्मेटोजोआ। स्पोरोफाइट इज मेन जनरेशन इंस्टेड ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। वैस्कुलर टिश्यू डी नन ऑफ द गिवन, तो बेटा सी इसका आंसर होगा, वैस्कुलर बंडल्स की वजह से। ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग अब आगे पता नहीं है कुछ एंड स्मॉल स्मॉल जीनोटाइप्स। अब इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, उसकी वजह यह है कि सवाल जो है एम्बिगुअस है। ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग, आगे को पता नहीं क्या है, हैविंग के बाद एंड आ गया फॉर, तो बीच का कोई वर्ड है जो मिसिंग है, तो इसलिए मैं सवाल का जवाब आपको दे नहीं पाऊंगा, आप मेरी मदद कबूल कीजिए। एनुअली 10% फूड लॉस रिफंड, 50% का एस्टिमेट है कि तकरीबन 50% जो फ्रूट है वो हर साल ज़ाया हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो डी के साथ मुझे जाना चाहिए। अमाइलेज इज नॉट प्रोड्यूस बाय फ्लावरिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ स्लाइविंग लैंड, ओके, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल या नन ऑफ द गिवन। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल इसका आंसर है मेरे ख्याल, क्योंकि वो सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, म्यूकस में एंजाइम नहीं होना चाहिए। आई गो विद सी। अमंग इनवर्टिब्रेट विच पजेसेस द ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़बरदस्त पावर रीजनरेशन किस में है जनाब अली, स्पंजेस, प्लेडियल में, यानी लीड और एक एनाटॉमी, इनमें स्पंजेस का जो रीजनरेशन पावर है वो मैसिव है, बहुत ज़्यादा है। ऑल ऑफ दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज एक्सेप्ट, देखिए ना ये भी सवाल है एम्बिगुअस है, समझ ही नहीं आ रहा सवाल के।
ऑल ऑफ दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज, क्या कुछ पता नहीं है एक्सेप्ट इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं सवाल किया जो आपने सवाल के लिए नहीं। 75% ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। इसका जवाब होगा एल्ब्यूमिन, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारा एल्ब्यूमिन होता है, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। 1 NAD रेस्पिरेटरी चेन प्रोड्यूसेस 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो बेटा एटलीस्ट और एट लास्ट हम इस चैप्टर के, हम इस लेक्चर के एंड पे पहुंच गए। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही ट्रबल सम सवाल थे, आप देख रहे थे, मुझे भी ट्रबल कर रहे थे, मैं भी बार बार सोच रहा था इसके ऊपर। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनके विचारों के साथ क्या हुआ होगा। तो ये था हमारा NAMS 2015 का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।